बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं पीएस एंटी रिक्रूटमेंट फॉर जोन वन कराची, जो कि केडीएल सिविक सेंटर की लाइन में स्विगे साहब इसके पास है। यहाँ कोरंगी नंबर 4 से एक साहब को उठाया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने इंक्रोचमेंट की है। उन्होंने पहले पैसे लिए उनसे, उसके बाद कहा कि जी मैं छोड़ रहे हैं, फिर अब ना मिलने दे रहे हैं ना कुछ, इनकी मैसेज यहाँ मौजूद है। तफसीलात पूछते हैं। जी भाजी बताइए क्या मसला हुआ है। जी कोरंगी 4 नंबर से मैं बात कर रही हूँ। नूरानी मस्जिद वाली गली से हमारे शोर को भेजा, समय रखा हुआ ना, शाम 4 बजे से उठा के लेकर आएंगे। और 2-3 दिन पहले से हमें धमकियाँ दे रहे हैं आके कि 5 लाख दे दो, और जाली नोटिस बना के लेकर आए थे। कौन आया था? एक बंदे आए थे जो अभी मोबाइल में उठा के आए ना, वही आए थे। नाम क्या उनका? नाम हमें नहीं पता उनका ना। ठीक तो है। वो आए थे, उन्होंने बोला कि आप हमें ये सिविक सेंटर से ये नोटिस आया, आप जो है ना पेमेंट कर दें, और कि हमें पैसे चाहिए थे। आप अंतराइज जगह पर बैठे हुए हैं जबकि हम उसका चालान भर रहे हैं, जब तक हमें वहाँ से ऑर्डर आता है सिविक सेंटर से, डाक के जरिए आता है, और हम पैसा हम भर चुके हैं। अब कोई कागज है आपके पास उसके? हमारे पास है अभी एक पेपर जो मैं भर चुकी हूँ, पैसा केडीए का पर्चा है मेरे पास। और ये केडीए का चालान आपको मिला था, आपने जमा कराया है, इसकी तारीख है 4 जनवरी 2017 का आपने जमा कराया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपको चालान नहीं मिला? नहीं, अब फिर नोटिस आया है। फिर नोटिस आया, नोटिस आया, क्या कह रहे हैं? नोटिस आया तो कह रहे हैं आप पेमेंट करें। मैं नाम नहीं बता रहा, यहाँ हमें कोई नाम नहीं बता रहा, इतनी मुश्किल से एक नाम बताया सिर्फ उन्होंने। नवाज आप पता नहीं झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। देख लीजिए जनाब आई जी साहब, ये आपका इंक्रोचमेंट सेल क्या कर रहा है, खवातीन को रातों को तंग करता है। 1:30 बजे का वक्त है और सख्त सर्दी में यहाँ मौजूद हैं और दोपहर से लेकर आए हुए हैं, ना उनसे मिलने दे रहे हैं ना ही उनसे कोई बात करने दे रहे हैं। इल्ज़ाम जो लगाते हैं ये कहने को तैयार हैं, लेकिन इनको पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उसके बावजूद भी, और ये फर्म कहते हैं कि इसके अलावा भी वहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि बकौल इनके उनका माहाना भत्ता बंधा हुआ है। इस पर गौर किया जाए।